रन्स रॉय। तो फ्रेंड्स आपको तो पता है लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल जाना बंद, ट्यूशन जाना बंद, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी बंद, तो हम घर पे बोरिंग हो रहे हैं। तो मैं जब थोड़ा सा मोबाइल देखने बैठ जाता हूँ, मम्मी बोलती हैं, रुद्रांश मोबाइल पकड़ के बैठ गए है। जब मैं थोड़ी देर बाद छुप के मोबाइल देखता हूँ तब फिर से मम्मी बोलते हैं, अकीन मोबाइल पढ़ाई कब होगी। तो इसीलिए मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लाया हूँ जो कि पढ़ाई की भी पढ़ाई, मम्मी भी खुश और लाइफ भी मजेदार। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने शुरू में ही सुना था, मम्मी ने बोला पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो हम पढ़ाई तो करेंगे लेकिन अपने तरीके से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसे तो हमारे मिस ने बोला था कि एक सीजन का एक्टिविटी करो, मेरा तो फेवरेट रेनी सीजन है, तो मैंने सोचा रेनी सीजन का एक्टिविटी पहले कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है सेम कलर के पेपर, ये मैंने स्कूल बुक पे कर रहा हूँ, दो पेपर है ये, दो पेज और ग्लू, स्केच पेन आउटलाइन करने के लिए, सीजर, कॉटन। बट ये तो कॉमन हो गया, आप सोचे ये सब कॉमन है, बट देर इज अ ट्विस्ट। नहीं, पहले आप मुझे बताओ कि आप सबको डांस मिलती है कि नहीं। भाई मुझे तो ज़रूर मिलती है, मुझे इसीलिए मिलती है कि मैं यहीं पर कटर करता हूँ वहीं पर फेंक देता हूँ उसका छिलका, इधर कटर करता हूँ इधर फेंक देता हूँ। तो आप भी वैसे ही कर रहते होगे, ऐसे ही कर रहे थे, इसलिए आपके मम्मी ज़रूर डांट रहे होगे। तो हम उसको ना फेंक के हम एक इससे क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं। तो मैंने ये चिप्स लिया है, देख सकते हो, और हमें चाहिए 15 cm का एक रेड कलर पेपर। आप रेड नहीं ले सकते और कोई भी डीप कलर ले सकते हो, जो कि डीप लाइक डीप पिंक, रेड, जो भी आपको पसंद हो, लेकिन वो डीप होना चाहिए जैसे कि वो अच्छा लगे। और आपको तो पता है रेन ड्रॉप्स ब्लू ही होते हैं, इसलिए मैं ब्लू कलर का पेपर यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास डार्क ब्लू नहीं था तो मैंने ये इस लाइट ब्लू का शेड लिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्लाउड बनाऊंगा, मैं स्केच पेन यूज़ कर रहा हूँ। आउटलाइन करने के लिए तो स्केच पेन ही चाहिए। स्केच पेन में मैं क्लाउड ड्राइंग करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप देख ही सकते हो मैंने दो ही क्लाउड किया है और मैं एक करूँगा, और मेरे पास स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं और भी कर सकता था, देख सकते हो। तो हाँ, तो जैसे कि आपने अभी देखा मैंने क्लाउड किया, ये देखिए। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो हमको कॉटन लेना है, मैंने आपको बोला था कॉटन चाहिए, कॉटन लेना है। आप कॉटन ज़्यादा कॉटन मत लो, थोड़ा सा कॉटन लेके उसको स्प्रेड करके लगा लो। कॉटन के पीछे थोड़ा ग्लू लगाना है, मैंने यहाँ पर ग्लू लगा दिया है, ऐसे चिपका देना है, देखो ऐसे चिपका देना है, ऐसे तीनों क्लाउड कंप्लीट कर देना है। तो चलो कंप्लीट करते हैं। चलो, तो मैंने तीनों क्लाउड्स चिपका दिया है, रुको आप देख नहीं सकते हो, तीनों क्लाउड्स चिपका दिया है। तो अभी रेनड्रॉप्स करना है। तो रेनड्रॉप्स पहले मैं ड्राइंग करूँगा फिर उसको कट करूँगा। देख सकते हो मैं रेन ड्रॉप्स बना रहा हूँ, उसके अनुसार मैं कट करूँगा। तो
तो आप सोच रहे हो कि मैं ये डिज़ाइन में करूँगा? ये इसमें डिज़ाइन में ही कर रहा हूँ। तो चलो इतने को पहले कट कर देते हैं। ओ रुको, आप खुद नहीं कट करना, किसी बड़े लोगों का हेल्प लेना, जैसे कि मैं मेरी मम्मी की हेल्प लेता हूँ। तो मैं इसको कट करता हूँ मम्मी की हेल्प से, खुद नहीं। अगर आप खुद कट करोगे आपकी उंगली भी कट सकती है, इसलिए कभी भी खुद मत कट करना। अपने पेरेंट्स की हेल्प लेना और कोई भी एडल्ट जो आपके घर में हो। तो मैंने चिपका दिया है, रुको मैं पास में लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर है, आप तो देख सकते हो रेन ड्रॉप से, मतलब रेन हो रहा है, रेन हो रहा है मतलब अम्ब्रेला तो ज़रूरी होगा। तो चलो अम्ब्रेला बनाते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बोला था, इसलिए हमको एक रेड पेपर चाहिए, नहीं तो आप डीप कलर भी ले सकते हो, क्योंकि अम्ब्रेला डीप कलर पे भी अच्छा लगता है। तो चलो करते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ। हम इसको अप एंड डाउन फोल्ड करना है, पर दैट इज समथिंग टू रिमेम्बर कि आप जब फोल्ड कर रहे हो अप एंड डाउन, उसका विड्थ सेम ही रहना चाहिए, नहीं तो ये अलग सलग हो जाएगा। चलो तो मैंने इसे अप एंड डाउन फोल्ड कर लिया है, तो हमें मिडिल पर्सन को सर्च करना है। तो कैसे सर्च करेंगे? इस दोनों को ऐसे फोल्ड करना है। तो ये हो गया, तो देखो यहाँ पर वी के टाइप हो गया, वी के जैसे वी। तो यहाँ पर है हमारा मिडिल पोर्शन, ये रहा हमारा मिडिल पोर्शन। इसको हमको फेविकॉल से ज्वाइंट करना है, तो फेविकॉल लगाना है। तो ऐसे आप फेविकॉल लगा देना लॉन्ग, तो अभी चिपकाना है, चिपकाना है। तो चिपकाना हो गया, तो अम्ब्रेला लेडी हो गया है। तो इसको पेस्ट करना है यहाँ पर, देखो ऐसे पेस्ट करना है। ग्लू लगाना पड़ेगा, सॉरी मैं भूल गया, ग्लू लगाना पड़ेगा। ये जो करना से देखो यहाँ पर लगाना है। देखो ये एक है यहाँ पर, ये यहाँ पर, यहाँ पर डॉट। तो देखो मैंने ये चिपका दिया है, देखो ये नेकलेस का डिजाइन हो गया है, मैंने यहाँ पर ग्लू लगाया है। तो इसको चिपकाना बाकी है। तो ये चिपक गया देखो, चिपक गया, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, चिपक गया है। तो जैसे कि ये अम्ब्रेला चिपक गया है, तो चलो नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो अम्ब्रेला के स्टिक के बिना अम्ब्रेला तो कोई भी पकड़ भी नहीं सकता, हवा आएगी वो उड़ के ही चले जाएगा। तो स्टिक करते हैं, देखो मैं स्टिक कर रहा हूँ, आप देख ही सकते हो। थोड़ा थिक करना है, जो स्टिक है वो थोड़ा थिक करना है, ज्यादा भी थिक नहीं, मिडिल। तो स्टिक तो हो गया, तो अभी हमें ये करना है कि इसको पकड़ेगा कौन, कोई तो इंसान करना होगा। तो मेरे पास ये है देखो, ये मैंने खरीदा नहीं है, मेरे रक्षाबंधन में मेरे जो राखी आया था उसमें से ये निकल गया था, तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ।
आप पेपर से भी कर सकते हो, क्ले से भी कर सकते हो। इसको यहाँ पर चिपकाना है, देखो यहाँ पर। तो आप देख सकते हो मैंने जोकर को चिपका दिया है। देखो ये जोकर भैया छाता लेके घूम रहे हैं, बारिश हो रहा है ना इसलिए। तो मैं ग्रीन पेंसिल का चिप्स लिया हूँ, ग्रीन कलर है ये बॉर्डर। इसको मैं ग्रास के तरह यूज़ करूँगा। आपके पास अगर ग्रीन पेंसिल नहीं है तो आप वाइट पेपर को कट करके ग्रीन कलर कर सकते हो, तो ग्रास हो जाएगा वो। तो देखो मैंने ग्रीन कलर के चिप्स से ग्रास कंप्लीट कर दिया है। तो मैंने कुछ रेड कलर और ब्लू कलर के चिप्स लिया है, उसको मैं फ्लावर के जैसे यूज़ करूँगा। तो चलो चिपकाते हैं। तो मेरा ग्रास फ्लावर सब कंप्लीट हो गया है। देखो मैंने फ्लावर को चिपका दिया है, उसका स्टेम भी मैंने कर दिया है स्केच पेन से। अगर आपके पास ये जोकर ना हो तो आप ये बटरफ्लाई भी वहाँ पर दे सकते हो, इंटरेस्टिंग और फनी भी लगेगा। तो मैंने इसको क्ले से बनाया है। तो फ्रेंड्स मेरा रेनी सीजन का एक्टिविटी तो कंप्लीट हो गया। आपको ये एक्टिविटी करने में बड़ा मजा आया ना, एंजॉय किया ना आप सब? तो इसको देख के मेरे मिस और मम्मी दोनों पूरा खुश हो जाएंगे। रुद्रांश बेटा सर्दी पड़ गया है, स्वेटर पहन लो। मैं तो जा रहा हूँ, नहीं तो मुझे मम्मी डांटेगी। रुको रुको मैं तो जा रहा हूँ, बट आप मत जाना, आप यही रहो। क्या करोगे? वेट। तो इसके बाद क्या होगा जानने के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलना। और इसके बाद क्या होगा जानने के लिए इस कमेंट सेक्शन में बताना। तो हम पार्ट टू में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय। मैं जल्दी जाना, नहीं तो मम्मी से डांट पड़ेगी। टाटा।